ये इनोवा है, इसमें प्रॉब्लम इंडिकेटर नहीं चलता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये मैंने ऑन किया तो कुछ साउंड आ रहा है, आप देख सकते हैं साउंड क्रिएट होता है इसमें। तो ये फ्लैशर का आवाज़ है, ये इंडिकेटर यहाँ से भी लेफ्ट राइट जो तो भी चलता नहीं है। जैसे कि मैंने ये मीटर क्लस्टर मीटर खोला, इसके पीछे फ्लैशर आता है, तो आप देख सकते हैं ये इसका फ्लैशर है। ये जो दिख रहा आपको दिख रहा होगा डेल्सो का जो फ्लैशर लिखा ऊपर, ये देखो आवाज कर रहा है इंडिकेटर ऑन करने का, राइट लेफ्ट। अपन पार्किंग ऑन करते हैं, ये आवाज कर रही है, या फिर इसमें वोल्टेज लो आ रहा है, मल्टीमीटर से चेक करना पड़ेगा, या फिर फ्लैशर खराब है, यही हो सकता है। बाकी कोई दूसरा कुछ इतना रहता नहीं इसमें, लो वोल्टेज से जैसा होता है क्योंकि वो वर्क होता नहीं पूरा, प्रेशर ट्रिप हो जा रहा है, ऐसा दिखा रहा है, करंट पूरा मिल नहीं रहा जैसा 12 वोल्ट, तो शायद ऐसा भी होता है, तो प्रेशर खराब भी हो सकता है, अभी मुझे आगे चेक करना पड़ेगा। पीछे ही आता है, उसके लिए हमको मीटर वीटर सब खोलना पड़ता है, ये सब क्लस्टर मीटर के पीछे ही आता है प्रेशर। इन सब से होगा आवाज़ शायद आपको आ रहा होगा, ये पार्किंग बंद करते हैं। बाकी तो नहीं चल रहा, अभी देखना पड़ेगा वायरिंग एक बार चेक करके, कुछ लूज कनेक्शन तो नहीं है इसमें। पार्किंग से भी नहीं चल रहा, और इंडिकेटर राइट लेफ्ट लेफ्ट देखते हैं उससे भी नहीं चल रहा, अभी चेक करते हैं। देखते हैं जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं, इसमें चालू हो गया इंडिकेटर वगैरह, इसमें देख सकते हैं, इसमें जो ये फ्लैशर था जो चल नहीं रहा था, वो वायरिंग का प्रॉब्लम था, वोल्टेज लो आ रहा था इसमें, इसके लिए वर्क नहीं हो रहा था पूरा, तो प्रॉब्लम वायरिंग का यहाँ पर था। देख सकते हैं ये जो वायर दिख रहा है यहाँ पे, मैंने ज्वाइंट किया अभी दो वायर, उसके ये थे जिससे पावर नहीं जा रहा था, ब्रेक हो गया था वायर, मॉइस्चर पकड़ के कार्बन जो टाइप में आ गया था, अभी तो बराबर चल रहा है, देख सकते हैं हम लोग, तो चेक कर सकते हैं चल रहा है, फिटिंग करना बाकी है, बाकी तो हो ही गया परफेक्ट। लेफ्ट राइट देख सकते हैं, वायरिंग के प्रॉब्लम की वजह से वो करंट यहाँ पे आन मिल नहीं रहा था प्रेशर को, इसके लिए चल नहीं रहा था। देख सकते हैं इसमें इंडिकेटर चालू हो गया, जो पहले वर्क करके कर रहा था नहीं हो रहा है, अभी इसको टेपिंग करना बाकी है, वायरिंग को रिपेयर किया अभी फिटिंग कर देखते हैं, तो फिटिंग करके